नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल माइंड्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पार्ट टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ओके, आज का क्वेश्चन बेस्ड है ट्रेन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग को कुछ समझना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे एक ट्रेन है जिसका लेंथ क्या है, L है। यदि कि ये किसी पर्सन को क्रॉस करेगा, कोई पर्सन है, यदि ये किसी पर्सन को क्रॉस करेगा तो सबसे पहले बताइए कि इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। एक ट्रेन को एक पर्सन को क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसे ये पर्सन खड़ा है और ये एक ट्रेन है, ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगा पूरा, तो ये ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, अपने लेंथ के बराबर, ठीक है। तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक। यही ट्रेन है यदि इसको किसी ट्री को क्रॉस करना है तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। भाई ट्रेन इसको क्रॉस करेगा तो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन। यहां पे पर्सन और ट्री का लेंथ नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ट्रेन के लेंथ के कंपेरिजन में जो पर्सन का लेंथ है और जो ट्री का लेंथ है वो बहुत नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए इसके लेंथ को यहां पर काउंट नहीं करते, क्लियर। लेकिन सोचिए यदि एक ट्रेन है और ये किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन का लेंथ, यदि लेंथ ऑफ ट्रेन ये है LT और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है LP, ठीक। तो अब ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कि भाई ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ ट्रेन है। अब लेंथ ट्रेन अभी इसको क्रॉस करना चाह रहा है तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये देखिए पूरा प्लेटफॉर्म प्लस जो ट्रेन का लेंथ है उसका एडिशन, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी ऐड हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का लेंथ क्यों काउंट किए, क्योंकि ये नेग्लिजिबल नहीं है। ट्रेन बहुत लंबा होता है तो प्लेटफॉर्म भी तो बहुत लंबा होता है एज कंपेयर टू मैन और ट्री, है ना, इसलिए यहां पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म काउंट करना पड़ेगा, क्लियर। वैसे ही यदि कोई ब्रिज है तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा लेंथ ट्रेन को, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया। चलिए इसमें अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये इस ओर जा रही है और दूसरी ट्रेन ये है, ये इस ओर आ रही है, ठीक है। माना पहले ट्रेन की स्पीड क्या है S1 और दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है S2। यहां पे ट्रेन की जगह एक तो आपका ट्रेन रहेगा, क्योंकि ये ट्रेन का ही प्रॉब्लम है। ट्रेन हो सकता है, मैन हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है, ब्रिज हो सकता है आपका, ट्री हो सकता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको मैं ट्रेन ना बोलने के बजाय ऑब्जेक्ट बोलना ज्यादा प्रीफर करूंगा, ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और ये स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि यहां पे कुछ भी हो सकता है आपका, ट्रेन, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल, कुछ भी दे सकता है ना, मैन दे सकता है, ठीक है। यदि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब भी कोई दो चीज आपस के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है आपस में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वहां जो भी ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैन हो गया तो मैन का स्पीड दिया हुआ है तब तो ठीक है, यदि कई बार ऐसे बोल दे कि भाई प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म का तो कोई स्पीड नहीं होता, प्लेटफॉर्म तो रेस्ट में रहता है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ब्रिज बोल दे, ब्रिज का तो कोई स्पीड नहीं होता, ब्रिज तो स्टेशनरी रहता है, तो स्पीड ऑफ ब्रिज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ट्री, स्पीड ऑफ ट्री जीरो हो जाएगा। मैन कई बार बोलता है कि जो मैन है वो एक स्थान पर खड़ा है तो उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, और कभी बोलता है कि मैन जो है वो कुछ स्पीड से जा रहे हैं तो उसकी स्पीड फिर हम लोग को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया। दूसरा चीज ये समझिए कि भाई ये अपोजिट डायरेक्शन का केस हो गया, जब दोनों ट्रेन, जैसे ये देखिए ये एक ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है, ट्रेन मतलब ऑब्जेक्ट है, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो एस स्पीड ऑफ ट्रेन
माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। क्या ध्यान देना है यहां पे, माइनस होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्लियर? तो इस पूरे चैप्टर में, इस टाइप के पूरे चैप्टर में हम लोग को बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला ये रहेगा। प्रॉब्लम में बस हम लोग को एक ही फॉर्मूला यूज करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई टाइम हम लोग को निकालना रहता है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका ट्रेन भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, मैन हो सकता है, टनल हो सकता है, ट्री हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या करना रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मैन है, ट्री है, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? और यदि प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, अगर उसका लेंथ दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक। अपॉन ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड क्या होगा भाई, स्पीड होगा स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, जो भी वहां ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड रहेगा, ठीक है। यदि ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है, ट्री है, ये सब स्टेशनरी रहते हैं, इसका कोई स्पीड नहीं होता, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि मैन दिया हुआ है और उसका स्पीड दिया हुआ है, यदि कोई दूसरा ट्रेन है उसका स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। ध्यान रखेंगे यदि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के तरफ चल रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यदि वो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, यानी पैरेलल चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड क्या होगा, प्लस होगा। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट था इस पूरे टॉपिक का। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, कि आपको इसमें यूनिट बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड लगभग किलोमीटर पर आवर में होती है ना, और ट्रेन की लंबाई मीटर में होती है ना। बहुत कम ट्रेन होता है जो किलोमीटर इतना लंबा होता है, अधिकतर मीटर इतना ही लंबा होता है ना। तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो यूनिट चेंज आपको अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस करते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का, अ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस अ पोल। ऑब्जेक्ट क्या है, पोल। एक ट्रेन है, कितना मीटर लंबा ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या दिया है आपको, 100 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोल है। पोल की लंबाई ट्रेन के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। जैसे ये पोल है तो इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ मतलब यहां कहने का मतलब है विड्थ, क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा ट्रेन के कंपैरिजन में। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई पोल स्टेशनरी रहता है कि मूविंग रहता है, स्टेशनरी रहता है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। हमको क्या निकालना है, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, यानी टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 100 मीटर। लेंथ ऑफ पोल तो कुछ नहीं है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे ये 100 मीटर है और नीचे वाला किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले ऐसे में आप चेक कीजिएगा कि आपका ऑप्शन है वो किस में दिया है, ऑप्शन किस में दिया है भाई, सेकंड में दिया है सब ऑप्शन। तो सबसे बेहतर होगा कि ये किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, 100 मीटर अपॉन 50। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में, तो मीटर से मीटर आपका कैंसिल होगा। क्लियर? ये देखो 50 कितने टाइम्स में जाएगा, दो बार में, और ये क्या बन जाएगा, 2/5 × 18 सेकंड। यानी कि क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ, ये देखिए 2 × 18 36 सेकेंड डिवाइड बाई 5। तो 5 से कितने टाइम में जाएगा, 7.2 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 7.2 सेकेंड। मतलब जो ट्रेन है वो पोल को कितने देर में क्रॉस कर लेगा, 7.2
टू सेकेंड में क्रॉस कर लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। देखिए क्या बोल रहे हैं, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग इफ इट क्रॉसेस अ ट्री इन 30 सेकेंड। यहां पे आपको टाइम दे दिए है और देन व्हाट इज द स्पीड, मतलब ट्रेन की स्पीड निकालना है। यहां पे आपको क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है और ट्रेन का लेंथ दे दिया है, तो ट्रेन का स्पीड निकालना है। सेम चीज, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है 125 मीटर, क्या है ट्री को क्रॉस करना है, ट्री को क्रॉस करना है, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जीरो अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन, आपको क्या करना है निकालना है। और टाइम क्या दिया है, टाइम क्या दिया है आपको, कितना टाइम ले रहा है 30 सेकेंड का, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा 125 मीटर अपॉन 30 सेकेंड। ये देखो यूनिट का क्या है, मीटर पर सेकेंड है, और ऑप्शन में क्या दिया है किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कैलकुलेशन करने से पहले ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्या है 125 बाई 30। अब देखो जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहता है तो हमको क्या किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, 18/5 से। जैसे ही मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, किलोमीटर पर आवर में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये देखो ये जाएगा आपका 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, 5 गुणा 5 25 और ये जाएगा 5 बार में, यानी 5 × 3 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये 15 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। चलिए अब 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, इंटर्स अ 1 किलोमीटर लॉन्ग टनल। देखो यहां पे टनल दिया है और टनल की लंबाई कितनी दी है 1 किलोमीटर लॉन्ग टनल एट 60 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है भाई, ट्रेन की स्पीड है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है 1 किलोमीटर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 1 किलोमीटर, ऑब्जेक्ट क्या है टनल, ठीक है, और उसका लेंथ कितना दिया है 1 किलोमीटर। व्हाट टाइम विल इट टेक टू कम आउट ऑफ द टनल कंप्लीटली, मतलब टनल से ट्रेन कितने समय में कंप्लीटली बाहर आ जाएगा, यानी मेरे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, कितना कितना भाई 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, ठीक। स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे को दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ होगा क्या, टनल तो स्टेशनरी रहता है, टनल का कोई स्पीड होता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, टाइम, तो ऊपर हो जाएगा 2 किलोमीटर, नीचे हो जाएगा 60 किलोमीटर, और यूनिट किस में जाएगा टाइम का, आवर में। लेकिन देखो यहाँ पे यूनिट किस में दिया है, पूरा सेकेंड मिनट सेकेंड मिनट, आवर में नहीं दिया है, तो मेरे को आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में या मिनट में। तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ आवर को किस में भी कर लेते हैं, जैसे मिनट में कर लेते हैं, तो एक आवर बराबर कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो मैं आवर को रिप्लेस करके क्या मिनट लिख सकता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 2/60, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल और आवर था, तो आवर को कन्वर्ट करके क्या लिख दिया मैं 60 मिनट, एक आवर बराबर 60 मिनट, तो 60 से 60 कैंसिल, क्या बचा 2 मिनट, तो 2 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2 मिनट ऑप्शन में है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर इफ द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इज 110 मीटर देन व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है भाई 110 मीटर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, ये देखो प्लेटफॉर्म है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट में कितना है 165 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है क्या 132 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब क्या हो जाएगा
जीरो, मेरे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यू को पुट कर दीजिए, लेंथ ऑफ ट्रेन 110 प्लस 165 क्या है सेम मीटर में, और ये क्या है 132 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा 275 डिवाइड बाई 132। अब देखो ऊपर का यूनिट क्या है मीटर और नीचे क्या है किलोमीटर पर आवर, यानी यूनिट मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करूंगा, देखो सब ऑप्शन किस में है, सेकंड में है, तो एक मिनट में भी है, तो मैं मिनट में भी कर सकता हूँ, सेकंड में भी कर सकता हूँ, तो मैं सेकंड में कर लेता हूँ। ये आवर ऊपर जाएगा, देखो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, तो ये किस में हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर, अब मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरा वैल्यू आएगा वो किस में आएगा सेकंड में आएगा, यानी 275 इंटू 18 डिवाइड बाई 132 इंटू 5 सेकंड। क्लियर, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 से कितने जाएगा 55 में, 11 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 11 से कैंसिल होगा 12 टाइम्स, ठीक है। तो क्या है आपका वैल्यू, टाइम इज इक्वल टू क्या आया 5 इंटू 18 डिवाइड बाई 12 सेकेंड, 6 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम, यानी 15/2 इज इक्वल टू 7.5 सेकेंड आपका क्या होगा आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर 7.5 सेकेंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे ध्यान दीजिए कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, पहले ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली ऑन पैरेलल ट्रैक्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ईच अदर, तो दोनों आपस में क्रॉस करने को कितने समय लेंगे, यानी क्या निकालना है मेरे को फिर से, टाइम, टाइम लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए क्या लेंगे प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है भाई, कोई भी एक को ट्रेन का लेंथ मान लेते जैसे 140 मीटर, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी ट्रेन है यानी 160 मीटर, ये देखो सेकंड का दिया है 160 मीटर, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना है 60, ये इसका यूनिट क्या होगा मीटर, और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितना है 40 मीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर है, मैं देखूंगा सबसे पहले मेरे को आंसर किस में दिया है, सब आंसर सेकंड में है, देखिए सेकंड 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 सेकंड, ठीक, तो मैं क्या करूंगा इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या कर लूंगा कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर वाला एडिशन कितना हो जाएगा 300 मीटर और नीचे 100 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, अब जो मेरा टाइम आएगा किस में आएगा सेकंड में आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 00 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3/18 डिवाइड बाई 5, ठीक है 3/18 कितना आता है 54 डिवाइड बाई 5, यानी आपका आएगा यहाँ पे 10.8 सेकेंड है क्या, हाँ ये देखिए 10.8 सेकेंड आपका क्या रहेगा आंसर हो जाएगा, मतलब ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे 10.8 सेकेंड में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 140 मीटर लंबा ट्रेन, 160 मीटर लंबा ट्रेन, एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक चेंजेस है क्वेश्चन में, वो चेंजेस ये है कि अब वो ट्रेन क्या है सेम डायरेक्शन में, पहले क्या था अपोजिट डायरेक्शन में था, अब वो ट्रेन क्या है सेम डायरेक्शन में, मतलब ये एक ट्रेन भी इधर जा रहा है दूसरा ट्रेन भी इसी ओर जा रहा है, तो कैसे निकालता हूं भाई मैं, टाइम निकालना है मेरे को लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, अब प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, अब दोनों ट्रेन क्या है सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए अब क्या लेंगे माइनस लेंगे। क्लियर, चलिए
लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई, 160 मीटर प्लस 140 मीटर, यही है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 60, और माइनस दूसरे का कितना है, 40, ये क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। अब फिर देखिए ऑप्शन किस में है, सेकंड में है, और आंसर ये ऊपर वाला यूनिट क्या है मीटर, नीचे वाला क्या है किलोमीटर पर आवर, यानी मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्ट कर लीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा 300 मीटर अपॉन 60 माइनस 40 20, क्या किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, जो मेरा यूनिट आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, यानी 300 डिवाइड बाय 20 इंटू 5/18 सेकंड। इसको सॉल्व कर दीजिए, 20 इंटू 500, 100 से डबल जीरो कैंसिल हुआ, 3 इंटू 18 यानी 54 सेकंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 54 सेकंड। तो देखिए जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो कितने में क्रॉस कर लिया था, 10.8 सेकंड में, और जब पैरेलल डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, तो कितना लगा क्रॉस करने में, 54 सेकंड, ठीक है। तो इसी टाइप से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मैं रोज ऐसे वीडियो लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। अगर ऑफलाइन के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही कि फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ CGPSC और CGVAPM के लिए भी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आप उसके लिए भी ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।